हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका तो हॉरर बीट्स के हैरान कर देने वाले एपिसोड में। दोस्तों आज मैं आपको द कॉन्जरिंग मूवी के बारे में बताने वाला हूं। दोस्तों ये बात तो आप सबको पता होगी कि कॉन्जरिंग मूवी एक सच्ची घटना पर आधारित है, लेकिन दोस्तों वो जो सच्ची घटना है वो कॉन्जरिंग मूवी में फुल नहीं दिखाई गई है। दरअसल दोस्तों कॉन्जरिंग मूवी का 60% पार्ट ही रियल है, बाकी 40% पार्ट उन लोगों ने अपनी तरफ से डाला है। और दोस्तों कॉन्जरिंग मूवी बनते समय क्या क्या हुआ था ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों दरअसल एक बहुत पुराना घर था, वो बिक नहीं रहा था, इसलिए उसकी नीलामी हुई और उसे वॉरेंस फैमिली ने खरीद लिया। दोस्तों दरअसल वॉरेंस फैमिली जिस दिन उस घर में एंटर हुई, उनका कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगा और अंदर जाने के लिए बहुत जोर से डरने लगा, तो उन्होंने सोचा हो सकता है नई जगह है इसलिए ये ऐसा कर रहा है, और उन्होंने उसको बाहर बांधा और सब लोग अंदर चले गए। दोस्तों वॉरेंस फैमिली में 7 लोग थे, उनके मॉम डैड और उनके 4 बच्चे और उनकी सबसे छोटी बेटी। दोस्तों वो दिन बहुत आराम से बीत गया और रात आई, और रात में 3:07 पर उनका कुत्ता बहुत जोर जोर से भौंकने लगा। ये आवाज सुन के उनकी मॉम उठी और बाहर जाकर देखा और उनका कुत्ता बड़ी आराम से सो रहा था। वो वापस आने लगी और उनकी नज़र घड़ी की तरफ पड़ी तो 3:07 हो रहे थे। वो थोड़ा आगे बढ़ी और उन्होंने दूसरी घड़ी की तरफ देखा और फिर थोड़ा और आगे बढ़ी और अपनी रूम की घड़ी की तरफ देखा, और ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा डर गई क्योंकि तीनों घड़ी में 3:07 ही हो रहा था। ये उन्हें थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उन्होंने सोचा होगा और वो सो गई। 5-10 बाद उनके पैर में बहुत ज़ोर से दर्द होने लगा। उन्होंने उठ के देखा तो उनके पैर में पंजों के निशान थे, और उन्होंने अपने हस्बैंड को उठाया और कहा कि ये देखो। उनका हस्बैंड भी ये देख के बहुत ज़्यादा ही डर गया। रात का समय हो रहा था इसलिए उन लोग ने किसी और को घर में नहीं जगाया और उस पर पट्टी करके कहा कि हम इस बारे में कल बात करेंगे, चलो अभी सो जाते हैं। और अगली सुबह उनकी सबसे छोटी बेटी बहुत कस के चिल्लाई। सब लोगों ने वहाँ जाके देखा कि आखिर क्या हुआ, तो उनका जो कुत्ता था वो मर चुका था। उनके हस्बैंड ने कहा कि मुझे ऑफिस जाने में लेट हो रहा है, इसलिए जब मैं रात में आऊँगा तब इसके बारे में हम बात करेंगे। और उनके 4 बच्चे भी स्कूल चले गए। अब उस घर में सिर्फ वो माँ और उनकी सबसे छोटी बेटी थी, और उन लोगों ने सोचा कि टाइम पास करने के लिए हम लोग हाइड एंड सीक खेलते हैं। और उनकी माँ काफ़ी देर तक उनकी बेटी को ढूंढ नहीं पाई, इसलिए उनने बोला कि तुम एक क्लैप करो, और उनके फेस के सामने एक ज़ोरदार क्लैप हुआ, वो डर गई। दोस्तों जो उनकी छोटी बेटी थी उसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा छोटी थी और उसके हाथ उनकी मॉम के कंधे तक नहीं पहुँचते थे, तो फेस तक कैसे आए। दोस्तों वो दिन तो किसी तरीके निकल गया, अब आई एक और खौफनाक रात। दोस्तों रात 12 के बाद घर में जितनी भी पेंटिंग थी सारी पेंटिंग गिरने लगी और घर के सब लोग उठ गए, लेकिन उनकी सबसे छोटी बेटी अपने रूम में आराम से सो रही थी और वो लोग नीचे बात ही कर रहे थे। तब तक ऊपर के रूम से बहुत तेज चिल्लाने की आवाज आई उनकी छोटी बेटी की। उन्होंने जाकर देखा तो उनकी छोटी बेटी ने बताया कि वहां सामने अलमारी में कोई बैठा था और उसने मेरे बेड पर जोरदार छलांग मारी। दोस्तों उस फैमिली ने अगले दिन ही लॉरेन वॉरेन को बुलाया जो उस समय के पैरानॉर्मल एक्सपर्ट थे, और लॉरेन वॉरेन ने एक्सॉर्सिज्म नाम की एक प्रक्रिया की। और दोस्तों इस प्रक्रिया में उनसे थोड़ी गलती हो गई तो उसमें जो शैतान था वो उनके ऊपर और हावी हो गया और वॉरेन फैमिली ने वो शहर छोड़ दिया। लेकिन दोस्तों इनकी जो मॉम थी उनकी संदिग्ध तरह से मौत हो गई। और दोस्तों इतना ही नहीं, इसकी जो एक्ट्रेस थी उनकी स्क्रिप्ट में कई बार आग ही लग गए, इसलिए उनने स्क्रिप्ट को अपने लैपटॉप में सेव कर लिया। और दोस्तों अगले दिन ही लैपटॉप खराब हो गया और लैपटॉप के पीछे एक पंजों के निशान थे, और लोग कहते हैं वो पंजों के निशान वही पंजों के निशान थे जो उस घर में उसकी मॉम के पैर पे थे। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेरी ऐसी वीडियो देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबा देना, और कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा।